नमस्कार मित्रों, जय हिंद। तो आप भारत इतिहास विषय की बात करता था कि मत सवाल के जवाब नहीं परंतु लगती कोई महती हो तो साथ कवर करता जता। तो आज सौ प्रथम सवाल की बात करिए तो नंदवंश की स्थापना कोणे करी थी? तो नंदवंश की स्थापना कोणे करी? धनानंद, महापद्मनंद, कालाशोक के शिशुनाग? तो के नंदवंश की स्थापना ये महापद्मनंदे करी थी। एट आप जवाब बन सी ऑप्शन बी महापद्मनंद। महापद्मनंदे पोते महान शासक था, बराबर, के नंदवंश की स्थापना करी थी नंदवंश की। और बीजी बात करिए तो के महापद्मनंद अन्य नाम पण छे, जेम के उग्रसेन, उग्रसेन एवी रीतना एकराट, एकराट एकराट एट के समग्र पृथ्वी ने एक छत्र हेठ करना राजा एट एकराट। उग्रसेन एट के पोते महान सेना सेना धरावता हो उग्रसेन धराय कही शकाय। शिशुनाग की बात करिए तो शिशुनाग तो अपने नागवंश की स्थापना करी। तो अपने एक्जाम पूछा है कि नागवंश की स्थापना कोरे करी थी? तो नागवंश की स्थापना शिशुनागे, परंतु शिशुनाग पीछे पुत्र हो कालाशोक, बराबर, तो ये नागवंश शासक हो तो एनी बात करी। आगे जो धनानंद, तो धनानंद ने अपने ख्याल से प्रमाण नंदवंश अंतिम शासक हो, नंदवंश अंतिम शासक। अने धनानंद समय में अपने खबर है प्रमाण सिकंदर आक्रमण थे, एट्ले सिकंदर समकालीन हो, सिकंदर समकालीन। अने धनानंद बराबर जो नंदवंश शासक होने एट्ले कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य बने भेगा थी धनानंद अंत करे, नंदवंश अंत थाय पी धनानंद अंत थे पे कोण आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य आए, एक नवा वंश की स्थापना थे एट्ले मौर्य वंश की स्थापना थाय को द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कौटिल्य सहाय थी थाय। तो आगे बात करिए तो आगळना सवालनी बात करिए तो कि यजुर्वेदना मंत्रों उच्चार करना ने शू कहे? एट्ले कि यजुर्वेद में रहेला मंत्रों से तेनो उच्चार करते होने कया नामे ओळखी शकाय? होत्रु, उद्गाता, अध्वर्यु के ब्रह्म? तो कि यजुर्वेद में रहेला मंत्रों उच्चार करना व्यक्ति ने अध्वर्यु कहे, एट्ले आपणो जवाब आवशे ऑप्शन सी अध्वर्यु। तो कि ऋग्वेदना मंत्रों उच्चार करना ने शू कहेवाय? तो कि ऋग्वेदना मंत्रों उच्चार करना ने आपणे होत्रुना नामे ओळखीए छे। एवी रीतना सामवेद में रहेला मंत्रों उच्चार करना ने आपणे उद्गाता, अपने बात करी प्रमाण यजुर्वेद उच्चार करना ने, यजुर्वेद उच्चार करना ने अध्वर्यु, और सामवेद में रहेला मंत्रों उच्चार करना ने अपने ब्रह्मना नामे ओळखीए छीए। तो आपणे याद राखवू जोईए। तो आगळनी बात करिए तो आगळना सवालनी बात करिए तो कि जैन धर्मनो पवित्र ग्रंथ कयो छे? कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, कीर्तिकौमुदी के एक पण नहीं? तो कि जैन धर्मनो पवित्र ग्रंथ ए कल्पसूत्र छे, एटले आपणो जवाब बनशे ऑप्शन ए कल्पसूत्र। हवे कल्पसूत्र की रचना कोणे करी? तो कि कल्पसूत्र की रचना ए भद्रबाहु द्वारा थई हती। कोना द्वारा? भद्रबाहु द्वारा तेनी रचना करवामां आवी हती। हवे कल्पसूत्र में शू दर्शावेलू छे? तो कि कल्पसूत्र में जे आपणने खबर छे प्रमाण जैन धर्मना तीर्थंकरो थया ने, जैन धर्मना तीर्थंकरोनुं जीवन चरित्र दर्शावेलू छे, जीवन चरित्र। तो कि जैन धर्मना तीर्थंकरोनुं जीवन चरित्र शेमां दर्शावेलू? कल्पसूत्रमां। तेनी रचना कोना द्वारा? तो कि भद्रबाहु द्वारा। हाँ, भगवती सूत्र की बात करिए तो कि भगवती सूत्र में अपन ने सोल महाजन पद उल्लेख जो मे, सोल महाजन पद उल्लेख। और बीजी वस्तु जी आप महावीर स्वामी थी गया, महावीर स्वामी, तो कि महावीर स्वामी स्वामीन जीवन चरित्र पण तेमां जोवा मळे छे, जीवन चरित्र। तो बे बाबत पण अगत्यनी, सोल महाजन पद उल्लेख और भगव महावीर स्वामी जीवन चरित्र शेमां जोवा मळे? तो कि भगवती सूत्र में। कीर्ति कौमुदी, तो कि तेमां आपणे तेजपाल से तेजपाल वस्तुपाड़े भाई होजपाल वस्तुपाड़े भाई हो वीरधवर हो, वीरधवर, वीरधवर एट धोलकाना शासक, धोलकाना शासक वीरधवर। अने वीरधवर दरबार में बे मंत्री हो, वस्तुपाल तेजपाल बने भाई हो, वस्तुपाल से वस्तुपाल जीवन चरित्र से दर्शाएलू है, वस्तुपाल जीवन चरित्र आपने कीर्ति कौमुदी में दर्शाएलू है। और रचना कोना द्वारा थी? तो कि कीर्ति कौमुदी रचना ए कवि सोमेश्वर द्वारा थी थी। कोना द्वारा? कवि सोमेश्वर द्वारा करवामां आवी हती। तो आपणे याद रखशू कि वस्तुपाळनुं जीवन चरित्र कीर्ति कौमुदी में दर्शाएलू है, कि जेनी रचना कवि सोमेश्वर द्वारा थई हती।